हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मेरा ये प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेष, सारे सपने, सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएं और जैसे ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसे ज़िंदगी आपको डेफिनेटली मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी कुछ इसी तरह है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। वो है आपका फुल पिंक मून, मतलब कि पिंक फुल मून भी कुछ लोग कहते हैं, जिसमें कि क्या होता है ना कि इसे लाइक गुलाबी चंद्रमा भी कहा जाता है। और ये आपके लाइफ में ना कुछ बहुत ही डिफरेंट कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, स्पिरिचुअल इफेक्ट आपके लाइफ में डालता है। बहुत सारे चेंजेस होते हैं इसके आने की वजह से। और जैसा कि आप जानते हो, न्यू मून से ज़्यादा इफेक्ट जो है फुल मून का इफेक्ट हमारे ऊपर, हमारे बॉडी पे, फिजिक पे, या फिर कह सकते हैं स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो ये फुल मून है, वो भी पिंक फुल मून है, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। चाहे आप किसी भी तरीके से देखें, आपके लाइफ में डेफिनेटली कुछ बड़ा बदलाव होगा। और यही पता करेंगे इस रीडिंग में कि आपका वो बड़ा बदलाव है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, किस तरीके से एनर्जी शिफ्ट होंगे। चाहे आपका लव लाइफ हो, मैरिज से रिलेटेड हो, मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और कुछ अवेयरनेस की भी ज़रूरत होगी, तो वो अवेयरनेस भी यहाँ पे देखा जाएगा कि आगे आने वाले 2 वीक के अंदर इस फुल मून का, पिंक फुल मून का, मतलब कि इस गुलाबी चंद्रमा का आपके लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, और ये आपके लाइफ में किन सारे नए डोर की ओपनिंग लेकर आ रहा है। ठीक है, कुछ गाइडेंस होंगे, रिचुअल्स होंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। और उसके साथ साथ डायरेक्ट एंजल्स से भी मैसेज आपके लिए देखेंगे इस फुल मून में क्या बदलाव होंगे। तो देर की इस बात की, जल्दी से अलाइन हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाइए। और मैं बता देना चाहती हूँ कि ये है आपका 23 को, ठीक है, मतलब कि 23 आपका एकदम बहुत ब्यूटीफुल डे रहने वाला है। उस दिन आप चाहे तो कुछ भी रिचुअल्स कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, इन्वॉल्व रह सकते हैं भगवान के साथ, ठीक है, जिन्हें भी आप मानते हैं उनके साथ इन्वॉल्व रह सकते हैं। तो डेफिनेटली ये आप के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे ना तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, प्लीज़ आप सब भी लोग अवेयर रहिएगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ। और हाँ, पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट चल रहा है, तो देर किस बात की, जल्दी जल्दी फटाफट बुकिंग कीजिए। और किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, और दुनिया के किसी भी कोने में हो तो भी ले सकते हैं, क्योंकि जिस टॉपिक पे रीडिंग लेंगे उस पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे रीडिंग तो आपकी टाइम वेस्ट है, मतलब आपके सामने आ रही है तो क्यों ना देखें। सभी लोग देख सकते हैं, मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले हो, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप आराम से देखिए और शेयर भी कर दीजिए। ये रीडिंग आपकी फैमिली वालों के लिए, आपके लिए, दोस्तों के लिए, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ज़रूर शेयर कीजिएगा, इससे आपका कर्म अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ पे अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। यहाँ पे 3 पाइल्स है, मैं आराम से बताऊँगी, ठीक है, और आप आराम से सेलेक्ट कीजिएगा। मैं आगे आने वाले टाइम में क्लोज़र व्यू भी आपको दे दूँगी, पॉज करके भी दिखा दूँगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चाहे तो आप 1 से 2 ज़्यादा चूज करके देख सकते हैं। अगर आपका नाम ए से जे के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी, और कार्ड जो है पाइल 1 के लिए वो है शाइन फ्रॉम विद इन। ठीक है, पाइल 2 अगर आपका नाम के से आर के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी, और जो कार्ड है आपके लिए वो है फ्लोरिश का कार्ड। ठीक है, ये जो कार्ड्स है वो आपके सफल करके आए हैं, तो आपके डेफिनेटली मीनिंग भी बताए जाएंगे आपकी रीडिंग में। और देखिए, अगर आपका नाम एस से जेड के बीच में आता है तो पाइल 3 आपकी रीडिंग होगी, ठीक है, और जो कार्ड है वो है आपका मून एनर्जी का। सो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए और सेलेक्ट करने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इंटिट्यूटिवली सेलेक्ट करना है भगवान ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाहेगुरु, जिससे भी आप मानते हैं। उसके बाद में मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल नेम इनिशियल को सेलेक्ट किए हैं, या फिर आपने सेलेक्ट किया है शाइन फ्रॉम विद इन कार्ड को। इसका क्या मीनिंग है, आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके लिए कार्ड सेलेक्ट कर रही हूँ, तो आपको क्या होना है, पॉजिटिव होना है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आप अलाइन रहेंगे तो आपके लिए परफेक्ट मैसेजेस आ सकेगा। ठीक है, क्योंकि जब भी मैं बोलती हूँ तो हमेशा बोलती हूँ कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी देख रहे हैं, ठीक है,
जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए एक्यूरेट मैसेज मिले, तो आप सभी लोग फैमिली मेम्बर बन जाइए। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। फर्स्ट कार्ड मैंने ले लिया, सेकेंड भी ले लिया है एंड थर्ड भी ले लिया है। और देखिए, पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, जो भी हो आपका, ठीक है। आप आराम से अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करें, क्योंकि डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है तो उसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं। और किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है। सो देख लेते हैं और भी कार्ड्स यहाँ से। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बताइए जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं पाइल वन, क्या है उनके लिए इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, डिटेल इन्फॉर्मेशन दीजिए, किस तरीके से अफेक्ट पड़ने वाला है, क्या चेंजेस होने वाला है आगे 2 वीक्स के अंदर, क्या बदलाव होंगे मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। ओके, ये सारे कार्ड्स मैंने आपके लिए ले लिए हैं, ठीक है। और ये सारे कार्ड्स के थ्रू तो देखेंगे ही मैसेज, लेकिन ये जो पहले आपने कार्ड चूज़ किया है उसको भी मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। और यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है शाइन फ्रॉम विद इन। यहाँ पे ये वक्त आ चुका है कि जिसमें कि आप अपने इनर साइड को, मतलब इनसाइड को बहुत ही ज़्यादा निखारते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, आप बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एन्जाइटी है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, किसी को ना नहीं बोल पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप ना अपने आप को शायद पहले के टाइम में स्ट्रांग नहीं समझते थे, लेकिन अब अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप अपने आपको सेल्फ एक्सेप्ट कर रहे हैं, सेल्फ एक्सेप्टेंस आपके अंदर आ रहा है और आपकी जो ट्रू ब्यूटी है वो रिवेल होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपको अपना ट्रू ब्यूटी खुद भी नहीं पता है, लेकिन इस फुल मून के इफेक्ट के वजह से कुछ ना कुछ आप ऐसा कमाल करने वाले हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा करोगे, ठीक है, जिसके वजह से ऐसा मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने ट्रू ब्यूटी की ओर बढ़ रहे हैं। ट्रू ब्यूटी क्या है, मतलब अपने कैरियर में भी बहुत अच्छा होना, ठीक है, अपने कैरियर में भी शाइन करना, अपने लव लाइफ में भी आप बहुत ज़्यादा रिश्तों को अच्छे से निभा रहे हैं, सामने वाला भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि देखिए, अगर आपको आउटसाइड ब्यूटी में भी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे स्किन में कुछ दाग धब्बे हैं या फिर आपका फिजिक अच्छा नहीं है, ऐसा अगर आपको लगता है, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी आउटर ब्यूटी भी बहुत ज़्यादा निखर रही है। आप आउटसाइड से भी बहुत ब्यूटीफुल हो रहे हैं और इनसाइड से भी ब्यूटीफुल हो रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में, ठीक है, चाहे आपकी लाइफ का कैसा भी कंडीशन हो, आप अपने उस कंडीशन को देख के डर नहीं रहे, घबरा नहीं रहे। अभी क्या है कि आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं सिचुएशंस को देखकर, डर जाते हैं, लेकिन ना अब क्या होगा कि जैसे आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे, आप अपने आप को प्यार करने लगेंगे, तो जैसा भी सिचुएशन हो, जैसा भी कंडीशन हो, आपको ऐसा लगेगा कि चलो मैं छुटकियों में इस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँगी, मैं तो कर लूँगा, मुझे डर नहीं लगता किसी से भी, ना ही किसी सिचुएशन से। तो ऐसा वाला एटीट्यूड आपके अंदर आ रहा है और इट्स टाइम फॉर यू टू शाइन, मतलब ये वक्त आ चुका है जिसमें आप बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आप अपने हर एक एक्टिविटी को नोटिस कर रहे हैं और हर एक एक्टिविटी को दिल से गले लगा रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है आपके लिए कि जितना हो सके उतना प्यार बिखेरने का वक्त आ चुका है, जितना प्यार बिखेरोगे उतना ज़्यादा प्यार वापस से आपके लाइफ में आएगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी से स्पेस लेना चाहते हैं अभी के टाइम में, थोड़ा सा फ्री होना चाहते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो स्पेस आपको मिलने वाला है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस फुल मून की वजह से यूनिवर्स जो है ना आपकी तरफ इनफाइनाइट सप्लाई कर रहा है, वो भी प्यार का, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है किसी जजमेंट की तलाश में हो, है ना, तो आपके तरफ जजमेंट भी आते हुए दिखाई दे रहा है और बहुत कंपैशनेटली, मतलब आपके फेवर में होगा जो होगा, ठीक है, क्योंकि आपने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया, गलत नहीं किया, तो आपके साथ क्यों बुरा होगा। तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपका फोकस आगे आने वाले टाइम में अबंडेंस पे है, ठीक है, और लैकिंग पे आप ध्यान ना दें। जो आपके लाइफ में लैक कर रहा है उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो वही बढ़ेगा, लैकिंग ही बढ़ेगा, लेकिन जहाँ आप अबंडेंस पे ध्यान दिए, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, तो वो ना बढ़ता चला जाएगा, दुगुना, तिगुना, दस गुना होता चला जाएगा। तो आपको अपने उस अबंडेंस पे ध्यान देना है, चाहे अबंडेंस ऑफ लव हो, अबंडेंस ऑफ वेल्थ हो, या कुछ भी हो, ठीक है। तो जो साइड आपने खुद का खुद ही नहीं देखा है, वो साइड आप खुद देखने वाले हैं, शाइन करने वाले हैं, ठीक है। आपका स्किन भी बहुत अच्छा हो रहा है, आप ब्यूटीफुल हो रहे हैं, ठीक है, ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। उसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन है कि आप
डरते बहुत हैं, बहुत सारे लोगों से, अपने फैमिली से, किसी से भी, तो वो डर को आप खत्म कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे आप अफर्मेशन कर सकते हैं, आई चूज लव ओवर फियर। ठीक है, क्या अफर्मेशन करना है? आई चूज लव ओवर फियर, आई चूज कंपैशन एंड रिलीज जजमेंट, आई अलाउ माई सेल्फ टू फील हाउ आई फील एंड लव माई सेल्फ नो मैटर वॉट। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और मैं अपने लाइफ में वैसे जीने वाली हूँ जैसे मैं चाहती हूँ। आई नो आई एम ऑलवेज डूइंग द बेस्ट आई कैन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अपना पूरा एफर्ट लगाए हो, तो इन फ्यूचर 2 वीक के अंदर आपको उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ब्यूटी को लेकर काफ़ी परेशान हैं, तो ब्यूटी को लेकर भी आप कुछ अफर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। ठीक है, मैं इनक्रेडिबल हूँ। यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हो, जैसे कि आई एम अ ब्यूटिफुल वूमेन, आई लव माई हेयर। ठीक है, या फिर आई एम हैंडसम मैन। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए, इसके लिए भी अफर्मेशन कीजिए। जैसे आई लव टू एक्सरसाइज एंड ईट हेल्दी, आई लव टू एक्सरसाइज एंड ईट हेल्दी। ठीक है, ईच एंड एवरी डे, इन एवरी वे आई एम गेटिंग मोर एंड मोर ब्यूटिफुल, मोर एंड मोर अट्रैक्टिव। ठीक है, मोर एंड मोर क्लासी, माई बॉडी इज सेक्सी एंड गॉर्जियस, आई एम एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, आई एम हैंडसम आउटसाइड एंड इनसाइड। ठीक है, आई एम ब्यूटिफुल इनसाइड एंड आउटसाइड। ऐसे आप बहुत सारे अफर्मेशन खुद से भी कर सकते हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि आपकी जो इनर ब्यूटी है, आउटर ब्यूटी है ना, ये एक यूनिवर्सल गिफ्ट है आपके लिए, उसको पहचानिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, माई ब्यूटी इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट। ठीक है, यूनिवर्स ने मुझे गिफ्ट दिया है, वो है ब्यूटी का, और वो ग्रेटेस्ट गिफ्ट है। ऐसा हो सकता है कि आपका मासूमियत जो है ना, उसके वजह से आपको बहुत सारे लोग पसंद करने लगते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे आप बहुत ज़रूरी है वो लिखिएगा, वो ये है, आई एम बोल्ड ब्यूटिफुल एंड ब्रिलियंट। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आई एम सेटिस्फाइड विथ हाउ आई लुक। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो कि बहुत खूबसूरत होने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं है, तो इसको लिखिए, आपका दिमाग वैसे जो है प्रोसेस करेगा। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे आप लिख सकते हैं, माई बॉडी इज़ फिट टोन एंड शेप। ऐसा हो सकता है कि आपको वक्त नहीं मिल पाता उतना एक्सरसाइज करने का या कुछ भी करने का, तो अफर्मेशन कर लीजिए, माई बॉडी इज़ फिट टोन एंड शेप्ड। ओके, सो कार्ड्स यहाँ पे आपके लिए है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस फुल मून का असर कुछ बहुत ही बड़े लेवल पे होने वाला है, जैसे कि सेलिब्रेशन हो रहा है, पार्टी हो रही है, गेट टुगेदर हो रहा है। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा खुश हैं। एक तो हो सकता है कि आपका खुद का ही कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो, पार्टी हो, इंजॉयमेंट हो, मतलब आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो वो एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। 3 वीक के अंदर आपको कोई रिश्ता मिल सकता है, शादी फिक्स हो सकती है आपकी, 3 महीने बाद आपकी उस पर्सन से सगाई हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ आपको बहुत सारा मौका मिल सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने जाने का, टूर करने का, वर्ल्ड टूर करने का, या फिर कहीं भी टूर करने का, लेकिन मिल रहा है। ये कार्ड आपको रिकॉन्सिलिएशन भी बता रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी से बेइंतहा प्यार करते हो, या क्रश ही हो सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि उनके साथ यूनियन हो जाए, यूनिटी हो जाए, रिलेशनशिप में आ जाए, तो ये चांसेस है। उसके साथ साथ अगर किसी का रिश्ता टूट गया है तो रिकॉन्सिलिएशन वैसे भी दिखाई दे रहा है कि रिकॉन्सिलिएशन होगा। तो ये कार्ड बता रहा है कि आगे आने वाले 3 वीक के अंदर आप काफ़ी सारे पार्टीज ज्वाइन करोगे, उस पार्टी में आप बहुत कुछ सीखोगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, नए नए लोग मिलेंगे, लव इंटरेस्ट भी मिल सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हैप्पी टाइम्स को दिखा रहा है। ये कार्ड जो है आप देख सकते हो, ठीक है, ये हैप्पी टाइम्स को दिखा रहा है। ठीक है, ये तो कुछ लोगों के लिए करियर एडवांसमेंट है, कुछ लोगों के लिए बेबी शावर है, प्रेगनेंसी की न्यूज़ है, कुछ लोगों का एंगेजमेंट का है, कुछ लोगों का शादी का है। तो आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग ज़रूर कीजिए, ठीक है, और साथ साथ अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग कीजिए। अब देखिए, पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड है। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा पेशेंस होगा, जितना ज़्यादा प्लानिंग होगा, उतना ज़्यादा आपका जो पाथ है वो क्लियर रहेगा, और उतने तेज़ी से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो भी काम करें आराम से कीजिए, किसी चीज़ में रश करने की ज़रूरत नहीं है, ये करना चाहते हैं। और उसके बाद है सफरिंग इन साइलेंस। काफ़ी लंबे समय से मैं देख पा रही हूँ कि आप सफ़र करते आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है 9 ऑफ सोर्ड्स की, मतलब कि ऐसा सिचुएशन आपका चल रहा है जिसमें कि लोग जो है ना आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ मेंटल इशू, लाइक कोई ऐसा इंसान जो कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द दे गया है, और आप उस पर्सन को भूलने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, वो तो इन्जॉय कर रहा है लेकिन आप जो है परेशान है।
तो ये जो टेंशन तनाव है, एनजाइटी है, कोई बहुत बड़ा इशू है, कोई ब्लेम है जो कि आपको सोने भी नहीं देता रात में आराम से, तो ये इशू, ये ब्लेम आपके लाइफ से बहुत ही जल्दी जा रहा है, ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी आपको ये बता रही है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले सफ़र कर रहे हैं, तो यस, आप अकेले सफ़र कर रहे हैं, लेकिन ये अकेला सफ़र आपको आपके डीप अनहैप्पीनेस में रह के ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगा। आपका फियर ही आपको बहुत स्ट्रांग बनाएगा। आगे आने वाले 9 डेज़ के बाद आपको फील होगा कि मैं बहुत स्ट्रांग हो चुकी हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हो चुका हूँ, जिसके लिए आप आंसू बहा रहे हैं, ठीक है। अब आपको कुछ दिनों बाद रियलाइज़ हो जाएगा कि नहीं, अब मुझे आंसू बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। तो जो गिल्ट की एनर्जी है, जो रिग्रेट की एनर्जी है, और जो आपने फोकसिंग ऑन पास्ट, पास्ट में जो फोकस बना के रखा है, वो आपका ख़त्म होगा और होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे अगर आपके अंदर कोई गिल्ट है, कोई रिग्रेट की एनर्जी है, आपसे कुछ बहुत बुरा हो गया है या किसी ने आपके साथ बहुत बुरा कर दिया है, तो क्यों ना एक प्रेयर करके सब कुछ ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि ये जो होता है ना, इससे कार्मिक बनता है, कार्मिक बाउंडिंग बना हुआ रहता है, ठीक है। तो क्यों आप कार्मिक बार बार फेस करेंगे, उससे बेहतर है कि आप एक प्रेयर कीजिए और सारे कार्मिक बंधन से मुक्त हो जाइए। वो है आपका होपोनोपोनो प्रेयर। यूनिवर्स, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सो सॉरी, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई लव यू सो मच यूनिवर्स, ठीक है। आपने जो मुझे सेक्रीफाइस दिया है, सफरिंग दिया है, उससे मैं स्ट्रांग हो रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, हो सकता है, मैं मानती हूँ कि आपका लाइफ अभी हो सकता है इतना अच्छा ना हो, जॉयलेसनेस हो आपके लाइफ में, ठीक है। जिसको आपने प्यार किया वो आपसे अलग हो गए, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर कोई धोखा बार बार दे रहा है, तो उसको बार बार आप चांस ना दें। ये आपको यही तो यूनिवर्स सिखाना चाहते हैं। आप सोचते होंगे कि बार बार मैं इसको चांस देती हूँ, क्यों बार बार मुझे ये धोखा देते हैं। अरे वो कार्मिक है आपके, वो तो आपको हमेशा धोखा देंगे, है ना। आपको ये चीज़ समझना है कि एक बार धोखा मिल गया, इसको छोड़ के आगे बढ़ना है, क्योंकि लाइफ में और भी बहुत सारे लोग हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। ये कार्मिक थे, एक बार लेसन सिखा दिए हैं, अब ख़त्म। अब बार बार आपको अगर कार्मिक में सीखना है लेसन, तो उनसे आप मिलते रहिए, ठीक है। तो बातें होंगी, फिर प्यार होगा, फिर धोखा होगा, इसलिए पहले ही बता दिया जा रहा है कि कार्मिक से दूर रहिए। कार्मिक को कैसे पहचानोगे, वो आपको बहुत तकलीफ़ देंगे, वो आपको बहुत गैसलाइट करेंगे, वो आपको आपकी ही बातों में फंसा देंगे, ऐसे होंगे कार्मिक। अगर ऐसे हैं जो कि अच्छा अच्छा वादा करके हमेशा झूठ बोले, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करें, तो यही तो है कार्मिक, ठीक है। और ऐसा हुआ है आपके साथ, मैं जी देख रही हूँ। और यहाँ पे सफरिंग इन साइलेंस ये भी है कि आपने बहुत सारे लोगों की हेल्प भी की है, फिर भी आपको लोग मदद नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे एक टाइम आएगा जब वो लोग भी आएंगे आपके पास, ठीक है। वेल, यहाँ पे आपके लिए कार्ड है थर्ड आई चक्र। यहाँ पे आपका थर्ड आई चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप ना बहुत प्यारे से, बहुत स्वीट से, बहुत इनोसेंट से पर्सन हो, ठीक है। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, मतलब लोग जो आपको दिखाते हैं वही आप देखते हो, अपने आँखों से शायद कुछ नहीं देखते, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब जो भी आपका चक्र है एक्टिवेट हो रहा है, थर्ड आई चक्र, तो बहुत तेज़ी से और बहुत ब्राइट लाइट आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे एक क्लियर माइंड आपका रहेगा, ठीक है। जैसे कि आपके मन में क्लियरिटी नहीं रहती, जो बोलता था, जो कोई भी बोल देता था, तो आप उस पर भरोसा कर लेते थे, लेकिन आप अपने इंट्यूशन का यूज़ कर रहे हैं, आप इमेजिनेटिव पर्सन हो रहे हैं, ठीक है। आप किसी का दिखाया हुआ नहीं देख रहे हैं, बल्कि आप अपने देखे हुए चीज़ों पर भरोसा कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी ने अगर कुछ भी बोल दिया भड़काने के लिए, आपकी फैमिली के अगेंस्ट या कुछ भी, तो ध्यान में रखिएगा कि पहले मैं खुद अपने आँखों से देख लूँ और दिमाग से समझ लूँ, उसके बाद ही मुझे कोई एक्शन लेना है, ठीक है। तो अगर थर्ड आई चक्र को हील करना है, ठीक करना है, अफर्मेशन कीजिए, आई एम इन अलाइनमेंट विथ माई पर्पस, ठीक है। क्योंकि थर्ड आई चक्र आपके पर्पस को दिखाता है, इनर नोइंग को दिखाता है, और पाथ, बहुत सारे पाथ को खोलता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आई ऑनर माई इनर नोइंग एंड ट्रस्ट माई पाथ, ठीक है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पाथ बहुत क्लियर होंगे, और होगा भी, डेफिनेटली होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके अंदर ऐसा हो सकता है कि थर्ड आई चक्र जब ब्लॉक होता है, तो आपको क्या फील होता होगा, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले माइंड बहुत फॉगी माइंड होता होगा, मतलब कोई क्लियरिटी नहीं होती होगी, और ऐसा सिचुएशन अभी आपका है, तो फॉगी माइंड से आपका क्लियर माइंड हो रहा है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे हो सकता है इन डिसीजंस के सिचुएशन में रहते हो, कोई डिसीजन नहीं ले पाते, तो उससे फ्री हो रहे हो, डिसीजन ले पा रहे हो, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स डिसीजन। उसके बाद यहाँ पे लैक ऑफ इंट्यूशन था, तो अब इंट्यूशन आ रहा है। एंजाइटी से आप एकदम फन की एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है, लाफ्टर की एनर्जी में आ रहे हो, और
यहाँ पे क्रिएटिविटी की भी कमी थी, तो क्रिएटिविटी भी आपकी बढ़ रही है। इट मीन्स कि थर्ड आई चक्र भी हील हो रहा है और एज वेल एज आपका सोलर प्लेक्सस चक्र भी हील हो रहा है। कुछ मामलों में आप नैरो माइंडेड हैं, तो उस नैरो माइंडेडनेस से आप फ्री हो रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ ना इमोशनल सिम्टम्स हैं जो कि थर्ड आई चक्र के ब्लॉकेजेस को दिखाते हैं। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी आप हील करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे आप अपने वाइब्रेशन को रेस कीजिए। कैसे कर सकते हो? तो ना फिजिकली जो है, अगर आपको रेस करना है तो डीप ब्रीथिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने घर को क्लीन रखिए, अपने ऑरा को क्लीन रखिए एक्सरसाइज करके। आप जितना हो सके वाटर के साथ अपना कॉन्टैक्ट बढ़ाइए, ठीक है। लाइक कभी आप बर्तन भी धो सकते हैं, वॉशिंग डिशेस, ठीक है। हो सकता है आपको बहुत छोटा काम लगे लेकिन आपको करना चाहिए, सिंगिंग करना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि आपका वाटर के साथ कांटेक्ट बढ़ेगा, दैट्स वाई मैंने बोला। या बाथिंग का टाइम आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप स्विमिंग करते हैं तो वो तो और भी अच्छी बात होगी, वो भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि अभी आपको कैसे हील होना है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। ये फुल मून पे ये रिचुअल आप ज़रूर कर सकते हैं, बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। और हो सके तो ब्राइट कलर पहनिएगा आगे आने वाले 2 वीक के अंदर। दूसरा यहाँ पे ये है कि अपने हेल्थ को अच्छा रखिएगा, स्लिप करके, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा डाइट लेके और रेस्ट करके। रेस्ट आपने शायद बहुत दिनों से नहीं किया है और नहीं रेस्ट करने की वजह से आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी ने आपको इतना दुख दर्द दे दिया है ना कि वो बहुत ज़्यादा दुख दर्द दे के तो निकल गया, लेकिन आप जो है सफ़र कर रहे हैं। मैंने आपको हीलिंग का रास्ता बता दिया है, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं हूँ जो कि मैं आपको हमेशा गाइड करूँगी। देखिए सेक्रीफाइस आप बहुत करते हैं, दूसरों के लिए इतना सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बने हो अच्छी चीज़ों के लिए, बड़ी चीज़ों के लिए। डोंट सेक्रीफाइस, जितना सेक्रीफाइस करना था कर लिया। अब देखिए आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, रेनबो का साइन है, मतलब कि बहुत ब्यूटीफुल कलरफुल आपका लाइफ होने वाला है। पेशेंस रखना है बस। अब देखते हैं और भी कार्ड्स, दिस वन। सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों को पावर अथॉरिटी मिलने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। जो लोग आपके ऊपर हंसते थे, ताना मारते थे, ठीक है, अब वो लोग अपना हो सकता है सर छुपा के भागे। दूसरी बात, यहाँ पे जस्टिस अगर आपको चाहिए, जस्टिस आपके फेवर में आपको मिल रहा है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि कोई मेल पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा, वो इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी फील कर रहा है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं और जो आपको गिफ्ट इस फुल मून पे मिल रहा है, पिंक फुल मून पे, ये है आपका साइकिक गिफ्ट, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आपका ये है कि बड़े एकदम कह सकते हैं कि एकदम इंजॉय कर रहे हो, इस तरीके से आप ज़िंदगी को जी रहे हो, अपने सारे दुख दर्द को कहीं फेंक के आप इंजॉय कर रहे हैं। आप हो सके तो पोइट्री भी कर सकते हैं, कुछ स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, इसमें अगर आपका इंटरेस्ट है, म्यूज़िक में अगर आपका इंटरेस्ट है, इन्फ्लुएंसर हो, बेस्ट है, सक्सेसफुल हो गए इसमें आप। अब यहाँ पे आपका ये है कि आप ना इमोशनल बहुत ज़्यादा है, इमोशंस में रह के अपने सारे थॉट्स, फीलिंग्स, जो भी है सब कुछ किसी को भी बता देते हैं, स्ट्रेंजर को भी इवन बता देते हैं। ऐसा गलती नहीं करना है। उसके बाद वेल्थ की एनर्जी है, तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा वेल्थ अट्रैक्ट कर रहे हैं इस पिंक फुल मून के वजह से। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए आए हैं, ठीक है। अब देखते हैं मूनोलॉजी कार्ड्स के थ्रू क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। ओके, सो प्लीज़ गॉड, देखिए आपके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट था वो है आपका ट्रू ब्यूटी का आना, ठीक है। इनसाइड और आउटसाइड बहुत सुंदर लगने लगोगे, लोग खुद ही बोलने लगेंगे कि चार्मिंग आ गया है तुम्हारे चेहरे पे, तुम क्या कर रही हो आजकल, या तुम क्या कर रहे हो आजकल। तो बहुत खूबसूरत होते हुए आप दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे एक अलग कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आ रहा है, ठीक है। मतलब वर्क थ्रू योर फियर, आप अपने फियर से हार्ड वर्क कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, फाइट करके उनको ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो फियर नहीं होगा ना, एक अलग कॉन्फिडेंस होगा चेहरे पे, तो उसके वजह से भी आप बहुत खूबसूरत लगेंगे, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है? स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, आप अपने कम्फर्ट जोन से, अपने डर से, अपने टेंशन तनाव से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई आपको डरा धमका नहीं सकता, जो आप चाहोगे वो करोगे। और किसी के हो सकता है कि आंसर की तलाश में हो, मतलब आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, किसी को लेकर पूछना चाहते हो, उससे बात करना चाहते हो, एक बार लास्ट कांटेक्ट करके सब क्लियर करना चाहते हो, वो क्लियरिटी आते हुए दिखाई दे रही है। द आंसर यू नीड, जो आंसर की ज़रूरत में हो, तलाश में हो, वो आंसर आपको मिलने वाला है। पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, सो आपको अवेयर रहना है। और किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट ऑन है और ये ग्रेटेस्ट डिस्काउंट बहुत जल्दी खत्म होगा।
तो जल्दी जल्दी बुकिंग कर लीजिए। ख्याल रखिएगा अपना और अपने फैमिली का भी। बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल टू, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं। के से आर के बीच में आपका नाम आता होगा या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल फ्लोरिश कार्ड को। सो देखते हैं कि इस फुल मून का असर किस तरीके से आपके लाइफ पे रहने वाला है, क्या चेंजेस, क्या बदलाव आपके लाइफ में होंगे। जल्दी से पहले आप लोग अलाइन हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन जाइए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, बताइए उनके लिए एक्यूरेट मैसेज दीजिए, क्या इन्फॉर्मेशन है उनके लिए, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है उनके लिए। फर्स्ट, सेकेंड, देखिए पर्सन रीडिंग पे आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट ऑन है, ठीक है, और ये सच में बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट डिस्काउंट आपको लेकर आया है। और आपकी पर्सन रीडिंग जो होगी वो डिटेल भी होगी, जिस भी टॉपिक पे आप रीडिंग चाहेंगे उस टॉपिक पे आपको रीडिंग मिलेगा और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपकी पर्सनल डिटेल रीडिंग की जाएगी, ठीक है। तो जल्दी से इसका फ़ायदा उठाएं और आप लोग क्या करें, अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। एक कार्ड यहाँ पे और लेते हैं, बॉटम ऑफ द डेक है आपका, ठीक है। यहाँ पे कुछ कार्ड्स और भी लेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, फाइल टू के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, दिस वन एंड एक लास्ट और लेंगे। पॉजिटिव रहना है आप सभी लोगों को। यहाँ पे 10-10 लिख के क्लेम कर सकते हैं, 23-23 लिख के क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे जो आपका कार्ड है वो बॉटम ऑफ द डेक से शुरू करते हैं, ठीक है। ओ दैट्स ग्रेट, फीलिंग अलोन का कार्ड है। देखिए फीलिंग अलोन कार्ड आपको क्यों बता रहा है और क्या बताना चाह रहा है, क्यों आया आपकी ये रीडिंग में? क्योंकि ये चाहता है कि आप मेंटली अनब्रेकेबल पर्सन बन जाए, ठीक है। अनब्रेकेबल पर्सन आप बन रहे हो। हो सकता है कि अभी के टाइम में आप बहुत अकेला, बहुत लोनली फील करते हैं। क्यों फील करते हैं? क्योंकि यूनिवर्स आपको अनब्रेकेबल बनाना चाहते हैं, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से। ऐसी यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है और ये बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे आप ये जान लीजिए, जो आपने कार्ड चूज़ किया है उसका भी एक बहुत बड़ा मीनिंग है। वो मीनिंग ये है कि आपका जन्म क्यों हुआ है, आपको पता है? आपका जन्म इसलिए हुआ है कि आप ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, कुछ ना कुछ नया लर्निंग करते रहें, कुछ ना कुछ बड़ा एक्सपीरियंस करते रहें। इसी से आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। और सिर्फ ये नॉलेज आपके काम नहीं आएगा, बल्कि आपका नॉलेज दुनिया को बदल देने में भी काम आने वाला है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसा इन फ्यूचर करने वाले हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता कि दो ही वीक के अंदर कर दे, लेकिन आपके अंदर ये एनर्जी दिखाई दे रही है, क्लियरली झलक रही है कि आप खुद को तो फ्लोरिश करेंगे, अपने करियर को भी फ्लोरिश करेंगे, लेकिन आप कुछ ऐसा कर जाएंगे ना जिसके वजह से लोगों को बहुत बड़ी जो असुविधा है वो सुविधा मिल जाएगी। जैसे कोई बहुत बड़ा इन्वेंशन हुआ, जैसे लाइट का ही हुआ, ठीक है, फ़ोन का ही हुआ, तो आज हम दोनों कनेक्टेड है, आप हो, हम हैं, सभी लोग कनेक्टेड है एक दूसरे से। आप लोग कमेंट कर रहे हैं, आप लोग सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये क्या हुआ, ये सुविधा हुआ। तो वैसे ही आपका, मुझे ऐसा लग रहा है एनर्जी कि आपका भी जन्म कुछ इस तरह हुआ है, कुछ इस पर्पज़ के लिए हुआ है कि आप कुछ ऐसा कर जाएंगे कि आपके सोसाइटी में, आपके अगल बगल जो भी लोग हैं, जब भी आपका नाम लेंगे तो आपके लिए तालियां बजाएंगे, आपके लिए रिस्पेक्ट उनके दिल में, दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा करने के लिए आपका जन्म हुआ है, जैसे कुछ इन्वेंट करने के लिए। अगर आप एक साइंटिस्ट हैं तो भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इन्वायरमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं, ठीक है, देश के लिए कुछ कर सकते हैं, मतलब कंट्री को सर्व कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपका खुद का थॉट्स जो अनक्लियर है वो क्लियर हो रहा है हर एक एरियाज में, चाहे आपका लव लाइफ हो, चाहे आपका करियर हो, बिजनेस हो, हेल्थ हो, सब कुछ ठीक हो रहा है। आपका लोनलीनेस खत्म हो रहा है और यहाँ पे आपको ये समझ में आने वाला है कि मैं अकेले रह के भी बहुत कुछ करने वाली हूँ, मुझे अकेले रह के ही बहुत कुछ करना है, ठीक है। सो पहला पॉइंट ये है, डोंट फियर बींग अलोन। आपका सॉलिट्यूड आपका पावर है, सॉलिट्यूड इज इक्वल टू पावर, ठीक है। और डोंट स्ट्रेस द पास्ट, क्योंकि पास्ट को ही लेकर तो आप फियर में हो, पास्ट को लेकर ही तो आप अलोन फील कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, बी इन द हेयर एंड नाउ। अभी आप जहाँ हैं वो आपकी एनर्जी बहुत फ्लोरिशिंग टाइप है, उसको समझिए, अपने इनर लाइट को समझिए, क्योंकि आप हील हो रहे हैं और आपकी ये जो हीलिंग एनर्जी है वो दूसरों को हील करने के लिए बनी गई है। मतलब आप सेल्फिश हो भी नहीं सकते, क्योंकि आपका ये सोल पर्पस यूनिवर्स के द्वारा दिया गया है और ये आपको करना होगा। और सोच के देखिए कि आपका हमेशा इस दुनिया में नाम लिया जाएगा, ऐसा कुछ है आपके अंदर,
तो कभी मत सोचिएगा कि मैं छोटा मोटा छोटे मोटे चीज़ को लेकर सेटल हो जाऊँ। नहीं, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि कुछ ऐसा करने वाले हो, मतलब जिसके लाइफ में, मतलब बहुत सारे लोगों के लाइफ में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दोगे। ठीक है, कुछ नया रूल्स एंड रेगुलेशन निकाल देना, ऐसा पावर है आपके अंदर। ठीक है, पॉलिटिशियन बनना चाहते हो वो भी बन सकते हो, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे फिर उसके बाद आपका कार्ड है ड्रीम्स कम ट्रू या ड्रीम्स कमिंग ट्रू। उसके बाद यहाँ पे आपका कार्ड है रिफ्यूजिंग टू सी। देखिए आप जो है ना थोड़े से निगेटिव मुझे दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपकी थोड़ी सी ऐसी हो गई है एनर्जी कि आप नैरो माइंडेड है। ठीक है, तो मतलब आप जो है हमेशा ऐसा सोचते हैं कि मेरे लाइफ में क्या होगा, मेरे लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो आपको अभी मिला है प्लीज़ उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, ड्रीम्स आपके सारे पूरे होंगे और आगे आने वाले 9 डेज के अंदर कोई बहुत बड़ा मेजर ड्रीम आपका पूरा हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, या फिर इन फ्यूचर आपको हार्ड वर्क करना पड़ सकता है। जब आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है तो आप थोड़ा सा फियर करते हैं। सो डोंट फियर हार्ड थिंग्स, मतलब हार्ड चीज़ों को करने के लिए ना घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना वॉरियर खुद ही बनना होगा, आपके अपने ड्रीम्स को खुद ही पूरा करना होगा। आपकी जो है अपने लिए एक ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर है, एज वेल एज आप दूसरों के लिए भी क्या है, ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर है। आप एक वॉरियर है, यू आर अ वॉरियर। ठीक है, और ये आपको मिला है, विरासत में मिला है एक वॉरियर वाली एनर्जी यूनिवर्स से। यू गॉट दिस। ठीक है, तो आपके ड्रीम्स तब पूरे होंगे जब आप हार्ड चीज़ों को करने से डरेंगे नहीं। सो डोंट फियर हार्ड थिंग्स, और इस चीज़ को रिफ्यूज़ मत कीजिए। देखिए, नज़र उठाइए कि मुझे अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हार्डवर्क करना होगा, क्योंकि आपने जो है ना बड़े बड़े ड्रीम्स देख लिए हैं और ऐसे ड्रीम्स देखे हैं जिसको पूरा करने के लिए आपको उस लेवल का हार्डवर्क करना पड़ेगा। इसलिए आपको गिव अप नहीं करना है, ड्रीम्स आपके सारे पूरे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल है, आप कर लोगे। मतलब ऐसा लग रहा है कि इस जन्म में आप लाइक पहले अपना सारा ड्रीम्स पूरा करोगे, अपने लाइफ को इन्हांस करोगे, इम्प्रेस करोगे। ठीक है, और दूसरी बात, धीरे धीरे आप लोगों के भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लोगों को भी बहुत कुछ ज्ञान देंगे, लोगों को भी कुछ सिखाएंगे, और वो भी एक बिल्कुल एकदम अचंभित या आश्चर्य रह जाएंगे आपके इस अच्छे एटीट्यूड को देखकर। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि थोड़े यहाँ पे लोग शर्मीले भी दिखाई दे रहे हैं। सो डोंट शाई। ठीक है, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। डोंट शाई अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा शर्मा जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ना एक टाइम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना ही पड़ेगा, उस पर वर्क करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना आज से ही अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा ले। मतलब ये कहा जा रहा है कि आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपके लाइफ का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो आपके हाथ में है, वो कोई और नहीं ले सकता। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके लिए जो एनर्जी है वो है बेस चक्र। ओके, सो बेस चक्र यहाँ पे आपको क्या बताना चाहती है, आपको ना लाइक एकदम बेसिक से शुरुआत करने की ज़रूरत है। अगर आपने अपने बेसिक को अच्छा कर लिया, अपने बेस चक्र को आपने जिस टाइम अच्छा कर लिया, उस टाइम ही आपकी पूरी की पूरी चक्र, जो ऊपर जितने भी चक्र हैं वो सारे चक्र हील हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये चीज़ देख पा रही हूँ कि आपका जो मतलब हेल्थ है वो बहुत डगमगाया हुआ सा रहता है, हीलिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए अगर आप चाहे तो अपने पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, बहुत ज़रूरी दिखाई दे रहा है, आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। तो अभी तो देखिए आपका डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है। ठीक है, जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो आप, और स्क्रीन पे भी शो किया है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है, तो ज़रूर कीजिए। वैसे मैं बेस चक्र के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि बेस चक्र का मैसेज आया क्यों। सबसे पहले यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा अफर्मेशन कीजिए, क्योंकि आप थोड़े से बैड हेल्थ में दिखाई दे रहे हैं, या अगर हेल्थ अच्छा है तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन होगा। इस बैड हेल्थ में ये बताया जा रहा है कि आप सबसे पहली बात आई एम सेफ इन माई बॉडी, इसको लिखिए। ठीक है, नो मैटर वेयर आई गो आई एम होम इन माई सेल्फ। मतलब होम क्या होता है, बहुत ज़्यादा सुकून देता है, कोजी प्लेस होता है जहाँ पे हम शांति से रहते हैं। क्या आप रोड पे आराम से मतलब बैठ सकते हैं आँख बंद करके? नहीं, कभी नहीं। ये चोरी हो जाएगा, वो चोरी हो जाएगा, लेकिन अपने रूम में रहेंगे, अपने घर में रहेंगे तो आराम से घंटों सो सकते हैं, 10 दिन भी सो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई डर नहीं। एग्जैक्टली यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जहाँ भी जाएंगे अपने बॉडी को ही अपना होम बना रहे हैं, और उस तरीके से सुरक्षित फील कर रहे हैं सब जगह। द अर्थ इज़ होल्डिंग मी एंड गाइडिंग मी। ये बहुत ज़रूरी है लिखना, इसको लिखिए। जैसे आई काम सेंटर्ड एंड रेडी फॉर द वर्ल्ड, आई फील अ पावरफुल सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द अर्थ।
ठीक है, लाइक अ ग्रोइंग ट्री आई एम कनेक्टेड टू बोथ द अर्थ एंड द स्काई। जैसे एक ग्रोइंग ट्री होता है ना, जो कि अर्थ से भी कनेक्टेड है, स्काई से भी कनेक्टेड है, उसी तरीके से आपको दोनों वे में मैं कनेक्टेड होते हुए देख पा रही हूँ यूनिवर्स के साथ। ठीक है, इसलिए मैं आपको अफर्मेशन करवा देती हूँ ताकि जो आपको मिल रहा है वो और भी जल्दी मिले। तो देखिए, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके बेस चक्र जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा भाग रहे हो तो फाइनली उस चीज़ से आप सर्वाइव करेंगे, सिक्योरिटी आएगी, इमोशनल बैलेंस आएगा, ग्राउंडेड होते हुए दिखाई दे रहे हो, हेल्दी, स्टेबल और असर्टिव हो रहे हो। ठीक है, ये सब है तो थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दे लीजिएगा, बस ये कहा जा रहा है। किसी के चक्कर में इतना ज़्यादा भी परेशान नहीं होना है, इतना ज़्यादा भी रोना धोना नहीं है कि आपका हेल्थ इश्यू क्रिएट होने लगे। ठीक है, तो किसी को इतना भी वैल्यू नहीं देना। अगर कोई आपसे प्यार करता है, कोई आपकी कदर करता है, कोई आपकी हेल्थ की वैल्यू समझता है, क्योंकि पता है उस इंसान को कि आप उनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, और जहाँ इमोशनली टूटे तो आपका बॉडी से भी आप टूटोगे, परेशान होगे। तो अगर कोई प्यार करेगा ना, तो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, इनसिक्योर, अनबैलेंस नहीं छोड़ेगा, फियरफुल बना के, एग्रेसिव बना के, कंट्रोलिंग करके आपको, लाइक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस करके जो है छोड़ देगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ हाथ छोड़ के उसको एकदम लाइफ से आउट कीजिए। ठीक है, जो आपका मूलाधार चक्र है उसको आप बैलेंस कर रहे हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रही है। और देखिए, अगर आप बेस चक्र को करेंगे, आपका क्राउन चक्र भी हील हो जाएगा। ठीक है, रूट चक्र बोलते हैं, मूलाधार चक्र बोलते हैं, बेस चक्र बोलते हैं। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपको अपने बॉडी से कनेक्टेड रहना है। एक चीज़ यहाँ पे है, ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मेहनत बढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन, ऑफिस में प्रोजेक्ट हो गया, काम हो गया, बड़े बड़े फाइल्स हो गए। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको ना कहीं अपने पैसे भी कम ही स्पेंड करने हैं। ठीक है, फालतू लोगों के बीच में स्पेंड नहीं करने हैं। अगर कोई आता है, बोलता है कि मुझे चाहिए, तो आप बोल दो कि मैं अपने खुद ज़रूरत में हूँ। अगर आपको लग रहा है कि वो सही नहीं है तो मत कीजिए हेल्प, आप डायरेक्टली बोलिए कि मुझे खुद हेल्प चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है, पहले इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, ऐसा लगता है कि हेल्प करने की ज़रूरत है, दिल खोल के कीजिए। ठीक है, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक्सप्लॉइट करने के लिए, यूज़ करने के लिए आ सकते हैं, तो बेटर है कि ऐसे लोगों से बच के रहिए, अपनी जो पोटली है, पैसे की पोटली, उसको बचा के रखें, और हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही है, तो आपको अपने ऊपर बिलीव रखना होगा और हेल्थ को स्ट्रांग बनाना होगा। कैसे? अफर्मेशन के साथ। अब देखिए, नर्चर की एनर्जी मैंने पहले ही बोल दिया, ठीक है, कि नर्चर आपको खुद को करना होगा, प्यार करना होगा, पैम्पर करना होगा, क्योंकि सॉलिट्यूड इज इक्वल टू सुपर पावर, मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, और यहाँ पे आप ना बहुत ज़्यादा डिजर्विंग है, मतलब लव, ट्रू लव जो होता है एक पार्टनर से, वो आप बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में किसी ऐसे पर्सन की एंट्री हो रही है जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा नर्चर करने वाला है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करने वाला है हर एक वे में। ठीक है, जैसे कि आपका फोरहेड पे किस करना, आपके बालों को सहलाना, आपके बालों से खेलना, ठीक है, मसाज करना, ये सारी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। साथ साथ यहाँ पे आपके लाइफ में बहुत सारे अवेयरनेस भी आ रहे हैं। अवेयरनेस, ये अवेयरनेस कैसा है, मतलब कह सकते हैं आपकी स्ट्रेंथ का अवेयरनेस, आपके वीकनेस का अवेयरनेस। देखिए, लोग अधिकतर अपने वीकनेस के ही अवेयरनेस को जानते हैं, ठीक है, लोग अपने स्ट्रेंथ पे कभी नहीं ध्यान देते। तो यहाँ पे आप अपने वीकनेस को भी पहचान रहे हैं, एज वेल एज अपने स्ट्रेंथ को भी पहचान रहे हैं, ये अवेयरनेस आपके अंदर आ रहा है। इस वजह से आप जान पा रहे हैं हाउ टू इम्प्रूव देयर, या फिर अपने वीकनेस को, मतलब आप अपने वीकनेस को कैसे सुधार ले, या किसी को कैसे सुधार सकते हैं, वो आप सीख रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि आपका जो है एम्पैथी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, जैसे आप लोगों को ट्रीट करोगे वैसा आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, ये आप याद रखिएगा। तो अगर आपको प्यार चाहिए तो आपको भी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप गुस्से में बहुत कुछ कहते हैं और सामने वाले से सोचते हैं कि वो आपको मनाए, तो ये गलत है। आपको दोनों जगह से क्या रखना है, इक्वालिटी रखनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल करना चाहिए, और वो चीज़ होगा ज़रूर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बाउंडिंग स्ट्रेंथ जो है, बाउंडिंग आपका किसी के साथ भी हो, चाहे मम्मी पापा के साथ हो या पार्टनर के साथ हो, हो सकता है कि आप पार्टनर के साथ ही अपना बाउंडिंग अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है पेरेंट्स के साथ तो आपका बाउंडिंग अच्छा है, आप चाहते हो कि वो इंसान आपके साथ काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड करे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। ठीक है, और
यहाँ पे बॉन्डिंग बहुत सारे लोगों की स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रही है आपके करंट पार्टनर के साथ। अगर आप हस्बैंड वाइफ के लिए भी सोच रहे हैं तो यस, आपके हस्बैंड वाइफ के साथ भी आपका जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होने वाला है। उसके बाद आपके लिए एनर्जी है वो है डे ड्रीम एंड डिसीजन का। हो सकता है कि आपने बहुत सारे फैंटेसी भरे ड्रीम्स देखे हैं, हो सकता है उसमें से कोई आपका ड्रीम पूरा हो जाए 1 वीक के अंदर। मतलब अनएक्सपेक्टेड ड्रीम आपका पूरा हो सकता है और आपको आगे आने वाले टाइम में कुछ बड़े डिसीजन लेने होंगे और वो डिसीजन आपको बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका है कि बी रियल। देखिए यहाँ पे आप बहुत परफेक्ट हैं, आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे हो ना वैसे ही रहिए, आप रियलिटी में रहिए, कुछ भी अपने आप के अंदर बदलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए आपको ना फेक बनना पड़ता होगा, फेक बन के दिखाना पड़ता होगा, वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई डिस्टर्ब कर रहा है, टर्न ऑफ़ योर फ़ोन, अपने फ़ोन को बंद कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए वैसे लोगों को, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन वैसे लोगों के लिए अपने आप को बदलिए मत, अपने टाइम को थोड़ा सेल्फ लव पे लगाइए। सेल्फ लव करने की अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद लाइटन अप की एनर्जी है, आपके अंदर जो ऊर्जा है वो कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर हो रहा है जिसकी वजह से आप चमकने वाले हो, जिसकी वजह से आप ब्यूटीफुल होने वाले हो, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है ट्रस्ट द यूनिवर्स। सबसे पहली बात, आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट तो रखिए, ट्रस्ट करोगे आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे। उसके बाद यहाँ पे है थिंक इट थ्रू। ऐसा लग रहा है कि किसी के पीछे शायद आप हो और उनके बहुत बार मना करने के बाद भी शायद आप हो, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि ऐसे इंसान को आपको छोड़ देना चाहिए, ऐसे सिचुएशन को भी छोड़ देना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ पे बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं और उसमें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल ही नहीं रहा, ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है या कोई जॉब का भी हो सकता है, नहीं मिल रहा है, इट मीन्स कि आप समझ जाइए आपके लिए कुछ नया बना है, कुछ डिफरेंट बना है, उसके लिए आप वर्क कीजिए, उस पर आप मेहनत कीजिए। ये चीज़ आपको यूनिवर्स समझाना चाहते हैं, ठीक है। किसी के पीछे अगर 10 साल से 20 साल से लगे हुए हो, नहीं वर्क कर रहा, इट मीन्स कि वो आपके लिए नहीं बना है, ठीक है। कुछ बेहतर है आपके लाइफ में, तो देखते हैं कि क्या आपके लिए लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। थोड़ा सा पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रमोशन होने वाला है बहुत सारे लोगों का, ये बहुत अच्छी बात है। अकाउंटेंट्स की एनर्जी है, हो सकता है कि आप इस प्रोफेशन में चले जाएं, कुछ प्रोफेशन आएगा तो इट मीन्स कि वो प्रोफेशन आपके लिए सही है। आप आगे आने वाले टाइम में अपने माइंडसेट को बहुत मास्टर कर रहे हैं, अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा फ्यूल से भर रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, और फ्यूल कैसा होगा तो हेल्दी फूड, ठीक है। उसके बाद एस्ट्रोनॉट वगैरह बन सकते हैं आप, ठीक है, कुछ बहुत बड़ा खोज कर सकते हैं स्पेस में जाके। उसके बाद अगर आप अपने करियर में या प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा करने चाहते हैं तो बॉयल राइस कीजिए, ठीक है। राइस को बॉयल करके क्रो को सैटरडे को खिलाना है, ठीक है, ये आपके लिए क्या है, रेमेडी है एस्ट्रोलॉजी का। उसके बाद यहाँ पे आपका है, आप एक ऑथर बन सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपका लिखा हुआ, कहा हुआ, कुछ भी हो गया वो बहुत फेमस हो सकता है। मैंने पहले ही बताया कि कुछ ऐसा लिख दोगे, कुछ ऐसा बोल दोगे, कुछ ऐसा कर दोगे जिसके वजह से लोग आपका नाम लेंगे तो ऑनर के साथ और रिस्पेक्ट के साथ, प्यार के साथ लेंगे, क्योंकि उनकी सोच बदल जाएगी या उनका लाइफ बदल जाएगा या उनको कोई बहुत बड़ी सुविधा मिल जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ योर वर्क। डोंट चूज़ टू मेनी गोल्स। आप एक बार में बहुत गलत काम करते हैं कि बहुत सारे गोल एक ही बार में चूज़ कर लेते हैं, ये सही नहीं है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्रिकेटर अगर आप बनना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। गेट टू नो योर ऑथेंटिक सेल्फ। समय निकालिए और समय दीजिए खुद पे अपने ऑथेंटिक सेल्फ को पहचानने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे चाहे तो ओम नमः शिवाय अपने हेल्थ के लिए चैंटिंग कीजिए, जो कि आपके लाइफ में, ठीक है, पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा। किसी और का भी ध्यान में रख के उनके हेल्थ के लिए कर सकते हैं। और हाँ, इन फ्यूचर में गेट योर हेल्थ इन ऑर्डर, आपको अपने हेल्थ को थोड़ा सा ऑर्डर में रखना होगा। उसके बाद आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, सेक्रेटरी बन सकते हो आप। उसके बाद है ह्यूज सक्सेस नेक्स्ट ईयर। हो सकता है नेक्स्ट ईयर जाकर आपको बहुत बड़े बड़े सक्सेस मिले, मतलब जिसके लिए आपने मैनिफेस्ट किया है वो भी पूरा हो सकता है। उसके बाद ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर, आपको जो है जितना हो सके उतना पानी पीना है। और उसके साथ साथ, मतलब एक दिन पीने से नहीं होगा, हमेशा पीना है, ठीक है, और समर का टाइम भी है। उसके साथ साथ अपने रूम को डी क्लटर करना है, जो जो भी क्लटर्ड है रूम उसको क्लीन करना है। आप फाइटर बन सकते हैं, ये फाइटर लाइफ का भी फाइटर हो सकता है और एमएमए फाइटर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे आपके लिए प्रोफेशन है, ये सारे आपके लिए गाइडेंस है, रिचुअल्स और रेमेडीज़ हैं,
ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊंगी फॉर्चून कुकीज़ के थ्रू, सो पॉजिटिव रहिएगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहला है सोसाइटी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा पार्टी इन्जॉयमेंट चल रहा है आपका, लव इंटरेस्ट भी मिल रहे हैं, किसी पार्टी वार्टी में आप जा रहे हो ना, वहाँ पे आपको आपके लव इंटरेस्ट मिलेंगे, और स्पेशली उनके लिए है जो सिंगल है। अगर आप मिंगल है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है या हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आपका लव लाइफ वैसे ही चलेगा, अच्छा ही चलेगा, ठीक है। आप ज़्यादा किसी पे ध्यान मत दीजिएगा, आप अपना लव लाइफ अच्छा चलाते रहिए। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो आपका पूरा हक बनता है कि आप आगे बढ़े, रिलेशनशिप में आए, किसी को समझे, प्यार करें, ठीक है। और क्या है देखते हैं, लेकिन इतना तो समझ आ गया कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप बहुत एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ठीक है। आपकी माइंडसेट बहुत अच्छी होने वाली है, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा होने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉन्स्टेंट लर्निंग लाइफ में आप सीखते चले जाओगे, सीखते चले जाओगे, ये चीज़ है। और आपकी स्किल बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सारे स्किल्स आ जाएंगे और आप बहुत शार्प माइंडेड होगे। उसके बाद इस पिंक फुल मून की वजह से आपको लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो सकता है, मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन विल ओपन अप योर लाइफ। मतलब अगर किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस बातें चल रही हैं, तो वो आपके लाइफ को ओपन अप कर रहा है, मतलब आपके लाइफ के डोर को खोल रहा है। मतलब ऐसा कोई जॉब आपके हाथ लग सकता है जिसमें कि आपको बहुत सारे पैसे धन दौलत मिलेंगे, और आप इंडिया से काम कर रहे हो, और काम हो सकता है वहाँ पे जो भी चीज़ें, इंडिया के लिए ही काम कर रहे हो या फिर उनके लिए ही काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो दोनों कंट्री के लिए कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए के लिए आप कर रहे हो तो इंडिया के लिए भी कर रहे हो 50-50%, ठीक है। तो इस तरीके से दूर का ही आपका कोई कम्युनिकेशन होने के बाद आपका क्या होगा, जॉब अच्छा खासा लगेगा। हो सकता है शुरुआत में टेम्पररी हो लेकिन बाद में परमानेंट हो जाएगा, और फिर आपको बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है जो कि आपके लाइफ को खोल रहा है, करियर एडवांसमेंट हो रहा है। कुछ लोग ट्रैवल करके फॉरेन जा रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, अपने बच्चों को भेज रहे हैं। अगर मतलब मन में आपके ये है कि भेजना चाहिए नहीं, डेफिनेटली आप भेज सकते हैं, आप जाना चाहते हो या नहीं जा सकते हो। हेल्थ की बात हो रही है तो हेल्थ अच्छा करके जाए, एक्सरसाइज योगा करते रहें, और बहुत सारे न्यू फ्रेंडशिप आपकी तरफ आ रहे हैं, मेनी न्यू फ्रेंडशिप आर ऑन द हॉरिजन, ठीक है, बहुत ही जल्दी। और उसके साथ साथ उसमें से कोई एक होगा जो कि आपके लिए हाईली रोमांटिक होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा रोमांस आपके लाइफ में आ रहा है, बहुत रोमांटिक कनेक्शन आपके लाइफ में बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, या फिर करेंट पर्सन के साथ ही आपका रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है। जो रोमांस ख़त्म हो गया था वो रोमांस फिर से डेवलप हो रहा है, ओके। सो अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हैं कॉन्टैक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट चल रहा है, स्क्रीन पे शो किया है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ओके। और अलाइन ज़रूर हो जाइए, इससे क्या होगा ना कि आपको हमेशा ब्यूटीफुल रीडिंग मिलते रहेंगे, ओके। सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। फाइल 3, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस मून एनर्जी कार्ड को, ठीक है। सो देखते हैं इस पिंक फुल मून का आपके लाइफ पे क्या असर पड़ने वाला है, क्या बदलाव, क्या चेंजेस होने वाले हैं आपके लाइफ में। तो पॉजिटिव रहिएगा ज़रूर, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, और बिल्कुल क्लेम कर लीजिए सारे एनर्जी को, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, ठीक है। आप जो भी रीडिंग लेंगे ना, जिस भी टॉपिक पे आपको ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिल रहा है, तो देर किस बात की, जल्दी जल्दी बुकिंग कर लीजिए, ठीक है। और दुनिया के किसी भी कोने में हो तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, और किसी भी टॉपिक पे ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारे कार्ड्स आपके लिए ले लिए हैं, एक कार्ड और लेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन, ओके। सो ये सारे कार्ड्स हैं, और उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स मैं आपके लिए लूँगी, वो है आपका प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। डायरेक्टली एंजल से कुछ मैसेजेस देखेंगे इसके बाद। यहाँ पे कुछ पहले कार्ड्स ले लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन, एंड यहाँ पे आपका है दिस वन, ओके। देखते हैं ये गुलाबी चंद्रमा आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट लेकर आ रही है। तो अब देखेंगे सबसे पहले आपके इस ब्यूटिफुल एंजल्स कार्ड के थ्रू डायरेक्टली, ठीक है। एंड सबसे पहला कार्ड है आपका बिग एंड हैप्पी चेंजेस।
इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे सिंपली ये कहा जा रहा है कि ये जो पिंक फुल मून है आपके लाइफ में बहुत बड़े बिग एंड हैप्पी चेंजेस लेकर आ रहे हैं, और ये बिग एंड हैप्पी चेंजेस जो है कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं छीन सकता, और ये आपको मिलकर ही रहेगा। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और किस किस तरीके से आपको बिग एंड हैप्पी चेंजेस मिलेंगे, किस किस वे में मिलेंगे, वो सब मैं आपको आपके कार्ड्स के थ्रू बताऊंगी, ये जो कार्ड्स मैंने लिए हैं पीछे। लेकिन ये जो आपको पहले क्लियर कर दिए कि क्या आने वाला है, तो बिग एंड हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है और भी देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मून एनर्जी जो है ना इस फुल मून पे बहुत ब्यूटिफुल इफेक्ट डालने वाली है आपके बॉडी पे, आपके लाइफ पे, इसलिए मून बाथिंग ज़रूर कीजिएगा। कुछ नहीं करना है, बस अपने रूफ पे चले जाना है या कहीं वैसे प्लेस पे चले जाना है जहाँ पे आपको फुल मून की एनर्जी पूरी तरह मिले। कुछ रिचुअल्स अगर करने का मन नहीं है मत कीजिए, कम से कम मून बाथिंग कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे है रोमांस। देखिए आपके लाइफ में एक रोमांटिक कनेक्शन भी आ रहा है। अगर आपका रोमांटिक कनेक्शन ख़त्म हो गया था, रोमांस एक्साइटमेंट नहीं रहा, सेंसुअल कनेक्शन नहीं रहा, तो देख सकते हो कि किस तरीके से आप दोनों के बीच में, आपके जो भी करेंट पार्टनर है या फिर आप शादीशुदा भी है, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में भी बहुत ज़्यादा रोमांस डेवलप हो रहा है। ये बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद हेल्थ भी इम्प्रूव हो रहा है, वाह क्या बात है। और देखिए ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके सराउंडिंग में भी, मतलब आपके मम्मी पापा हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके भाई बहन हो गए, या फिर किसी ऐसे इंसान को आप देख रहे हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जिसका हेल्थ जो है थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये जानना चाहते हैं कि उनका हेल्थ ठीक होगा या नहीं होगा। तो देखिए सभी लोग आपसे जुड़े हैं, आप सभी लोगों से जुड़े हैं, तो क्यों नहीं ठीक होगा, ऑफकोर्स ठीक होगा। और डेफिनेटली मैं प्रे करती हूँ आप सभी के लिए कि इस पिंक फुल मून के बाद आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए ही ना, आप जैसे ज़िंदगी चाहते हैं वैसे ज़िंदगी आपको मिल जाए, ठीक है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। दिस वन, आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो कि आपके तरफ बहुत सारे पैसे वेल्थ को लेकर आ रही है, ठीक है। और देखते हैं, पॉजिटिव रहिए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपका सिचुएशन जैसा भी है ये बदलने वाला है, कैसे बदलेगा वो सब मैं आपको बताऊंगी। और एक लास्ट है यहाँ पे, वो है आपका रिमेन पॉजिटिव। तो एट एनी कॉस्ट आपको पॉजिटिव रहना ही होगा, ठीक है, तभी ये सारी चीज़ें रिसीव करोगे। क्या क्या? इम्प्रूविंग हेल्थ हो गया, बहुत सारा अबंडेंस हो गया, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हो गया, बहुत सारा पैसा हो गया, रोमांस हो गया, तो पॉजिटिव तो रहना होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपने कार्ड चूज़ किया है मून एनर्जी का, सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि कन्फ्यूजन आपके लाइफ में बहुत है, आप कन्फ्यूज़ बहुत होते हैं, ठीक है। पीस ऑफ माइंड जो है किसी के बोलने से, भड़काने से, टेंशन देने से चला जाता है, ठीक है। आप बहुत सेंसिटिव इंसान हैं, तो ये सेंसिटिविटी कंट्रोल में आ रही है, इमोशंस कंट्रोल हो रहा है। आप ओवरली सेंसिटिव है, आप नॉर्मल रहेंगे, सेंसिटिव रहेंगे और होना भी चाहिए, तो जितना होना चाहिए उतना रहोगे, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हो और लाइफ के फ्लो से, आप जो भी फ्लो है उसी के थ्रू लाइफ में आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। फिलहाल तो अभी आपके लाइफ में ना एक हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। वो हीलिंग आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स को कमेंट में लिखिए कि हाँ अब जो भी है वो सब कुछ मैं आपके ऊपर सरेंडर कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ है। तो देखिए सबसे पहला आपके लिए कार्ड यहाँ पे है 10 of Pentacles का। वाह, दैट्स ग्रेट, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये 10 of Pentacles आपको ये बता रहा है कि पैसे में बहुत ज़्यादा सुधार होने वाला है। पेंटिकल्स मतलब कि अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल विनफॉल कह सकते हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड आपके लाइफ में पैसे धन दौलत आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और किस किस रास्ते से आएंगे वो आपको भी नहीं पता चलेगा, लेकिन जिस भी रास्ते से आएंगे वो वाइट होना चाहिए, वो प्योर होना चाहिए। तो यस, जिस जिस रास्ते से आपको वो पैसे धन दौलत मिल रहे हैं, नए नए रिसोर्सेज ओपन हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सॉलिड है, वो बहुत ज़्यादा सही है, ठीक है, प्रमाणित है, ऐसा कह सकते हैं। तो यस डेफिनेटली आपका अच्छा डीड आपको बहुत कुछ दे रहा है, आपके गुड डीड आपको बहुत आगे लेकर जा रहे हैं, सॉलिड फाउंडेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। फैमिली फ्रेंड्स बिजनेस फ्रेंड्स जो भी है सभी के साथ काफ़ी आप अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ रहे हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी। अगर मन में ये टेंशन है कि अभी तो सिक्योरिटी आ रही है फिर कहीं बाद में प्रॉब्लम हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी। देखिए यहाँ पे लाइफ है तो रिस्क होता ही है, लाइफ खुद ही एक रिस्क है, ठीक है, लाइफ है तो बहुत रिस्क है, बड़े बड़े रिस्क है। तो ये आप जान लीजिए कि आपको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी मिल रहा है फाइनेंशियल, तो उस बीच आप अपने आप को बहुत ज़्यादा
चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अपने इस पैसे से और भी डबल पैसे बना सकते हैं अच्छे काम करके, बिजनेस करके, तो वो चीज़ यहाँ पे कर रहे हो। उसके साथ साथ बेबीज होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे आ रही है, ठीक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट दिखाई दिया वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी का होना। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके बहुत क्लोज आने वाला है, ठीक है, कोई बहुत क्लोज आने वाला है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत स्वीट से पर्सन भी हो सकते हैं, और इन्होंने हो सकता है बहुत सारे पैतरे अपनाए हैं आपको अपना बनाने के लिए, क्योंकि ये प्यार तो आपसे करते हैं लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे गलत पैतरे अपनाए हैं आपके करीब होने में। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये जो पर्सन है ये काफ़ी रोमांटिक पर्सन होंगे, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा रोमांस फील करते हैं ये इंसान, ठीक है। और ये जो पर्सन है थोड़े यूथफुल टाइप, यूथफुलनेस जो होता है इस पर्सन के अंदर कूट कूट के भरा है, डे ड्रीमर है, ठीक है, स्पिरिचुअल पर्सन भी है, लेकिन ये छोटे आपसे दिखाई दे रहे हैं या छोटी आपसे दिखाई दे रही है। अभी थोड़ी सी इमोशनल मेच्योरिटी की इस पर्सन के अंदर ज़रूरत है, लेकिन ये आपके लुक्स को देखकर कुछ ना कुछ ऐसा देखकर वो आपके ऊपर फ्लैट हो गए हैं। ऐसा इंसान कोई है जो कि आपको फील कर रहा है। अगर देखा जाए ये इंसान कैसे है, ये इंसान जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, ये पर्सन बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत फैशनेबल है, बहुत स्टाइलिश है, बहुत काइंड है, आर्टिस्टिक एनर्जी है, रोमांटिक है, और हाँ, आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये लॉयल इंसान है। थोड़ी सी समझदारी और आनी बाकी है, ठीक है, यंग है तो थोड़ी समझदारी आ जाएगी, आपके लिए एकदम परफेक्ट है, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे है, वो है लॉट्स ऑफ ऑप्शन। देखिए, आपके लाइफ में ऑप्शंस बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे बुरे ऑप्शंस, गलत ऑप्शन जो आपको गलत राह पे ले जाएं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन जो आपकी किस्मत को बदल दे, ठीक है, बहुत सारे अनफोल्ड्स आपके लाइफ में लेकर आए, बड़े बड़े चेंजेस लेकर आए। तो सोच समझ कर आपको अपने लाइफ में कदम रखना है। किसी ने कुछ भी बोल दिया और आँख बंद करके आप भरोसा कर लिए और उसके कहे हुए बात पे आप काम कर लिए, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने आँखों से उस चीज़ को देखना है, परखना है। आपको अगर कोई एडवाइस दे रहा है, ठीक है, देख लीजिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब तक अपने आँखों से ना देख लो उसे भरोसा नहीं करना है, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद सन की एनर्जी है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि भड़काने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन के बारे में। शादी कहीं फिक्स हो रही है तो उस पर्सन के बारे में भड़काने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखना है कि कोई कुछ भी बोल दे तो मान नहीं लेना है, पहले समझना है, देखना है। वैसे यहाँ पे ये कार्ड जो है आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग भी दिखा रहा है। इन फ्यूचर आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग हो रही है। सन की एनर्जी ये बता रही है कि आपको जो है ना थोड़ी सी सन की सेवा कर लेनी चाहिए। मतलब जब सूर्योदय होता है, सनराइज होता है, तो आप जल जो है जल अभिषेक, जल देना वो कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि वो जो जल के थ्रू जो भी लाइट आते हैं, जो भी लाइट निकलते हैं, वो लाइट आपके बॉडी को पूरी तरह हील करते हैं। तो ये करना भी एक इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है, सो करना चाहिए। सन ये बता रहा है कि आप ट्रैवल करने वाले हैं, बेबी बॉय होने की चांसेस है, प्रेगनेंसी की न्यूज़ बहुत सारे लोगों को मिल रही है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों की सेटलमेंट हो रही है, ठीक है, वार्म क्लाइमेट या कुछ ना कुछ ऐसा सेटलमेंट तो है, कहीं ना कहीं सेटल हो रहे हो। देखिए, मून की एनर्जी है, आपके कुछ अपने भी धोखा दे सकते हैं और बाहरी तो दे सकते हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा अवेयर रहिएगा। किसी की बातें आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुँचा सकती है, और बातों से ज़्यादा किसी का एक्शन, मतलब किसी अपने का ही एक्शन आपको चोट पहुँचाएगा, इसलिए आपको गलत और सही का फर्क होना चाहिए, ये बार बार मैं आपको बोल रही हूँ। उसके बाद नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरे लोग हैं ना, तो कुछ अच्छे लोग भी आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, ये भी चीज़ है। और जो आ रहे हैं उनका इंटेंशन बहुत प्योर होगा, वो हेल्पफुल होंगे, वो सपोर्टर होंगे। और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, उस पर्सन का जोडिक साइन होगा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। ओके, एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखिए, किसी भी चीज़ को, कोई भी प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा एग्जाजरेट मत कीजिए, ठीक है। सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, उसको एक्सेप्ट करके आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रैप्ड हो आप, है ना, कुछ लोगों के द्वारा, किसी के वजह से आप ट्रैप्ड हो गए हो, किसी और ने कुछ गलत किया और आप फंस गए, उस ट्रैप से आप फ्री हो रहे हैं, और आपके ऊपर जो ब्लेम लगा उससे भी आप फ्री हो रहे हैं, और जो असली में जिम्मेदार है, बेईमान पर्सन है, वो पकड़ा जा रहा है, ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। पनिशमेंट आपको किसी चीज़ का मिल रहा है, ऐसा आप फील करते होंगे। निगेटिव एटीट्यूड हो गया है, ठीक है, लाइक साइकोलॉजिकल इशू या मेजर वेट लॉस आपका हो गया है, बहुत कन्फ्यूजन डिलेमा में है, ठीक है, जहाँ जाते हो क्रिटिसाइज हो रहा है, तो ये सब चीज़ से आप फ्री हो रहे हैं। मतलब ब्लेम ही है ना जिसके वजह से आपको प्रेशर दिया जा रहा है, होपलेस, हेल्पलेस सा फील कर रहे हो, ठीक है, एनजाइटी सा फील कर रहे हो।
तो ये सबसे आप फ्री हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद आएगा क्या आपके लाइफ में, तो कामनेस, बहुत ज़्यादा इनर पीस, रिलैक्स फील करना, ऑल इज़ वेल टाइप फील करना, अच्छा हेल्दी सा फील करना। उसके बाद हेडेक अगर होता बहुत ज़्यादा है, तो उस हेडेक से आप फ्री हो रहे हैं, तो थोड़ा विजुअलाइजेशन कीजिए, अच्छी चीज़ों को विजुलाइज़ कीजिए, अरोमा थेरेपी लीजिए, मेडिटेशन कीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में कामनेस आ रहा है, एज़ वेल एज़ आपके लाइफ में बहुत प्यार भी आ रहा है। यहाँ पे आप अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो पिंक फुल मून पे, पता है? आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा जॉय, बहुत सारा हैप्पीनेस और एकदम एक कंफर्टेड लाइफ, ठीक है। और यहाँ पे आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग होंगे ना, वो लोग भी प्यार की तलाश में ही हैं, और आप प्यार करोगे तो ऑफ कोर्स वो भी प्यार ही देंगे। तो आप एक मैग्नेट बन रहे हैं इस पिंक फुल मून पे, तो थोड़ा सा मून बाथिंग ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, जिसमें कि आप प्यार को, लव को, लाइट को, वेलबींग को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे गिफ्ट भी आपको मिल रहे हैं। वेल, यहाँ पे प्रोटेक्शन की भी एनर्जी है, फिलहाल आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये प्रोटेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है। मतलब आप लिख सकते हैं, आई एम सेफ एंड साउंड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ऑलवेज डिवाइनली प्रोटेक्टेड। ये ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे अनट्रस्टवर्दी पीपल आपके लाइफ में होंगे, कुछ लोग होंगे, ऐसा नहीं कि सब चले जा रहे हैं, कुछ लोग रहेंगे, लेकिन उससे आप सराउंडेड ना रहे, इसलिए आपको ऐसे फॉर्मेशन करते रहने चाहिए, ठीक है। क्लेम कीजिए 10 10 10 लिख के सभी लोग। और देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, इंटेलिजेंस बहुत आ रहा है, कॉम्प्लेक्स टास्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, रिसर्च के फील्ड में है, लर्निंग न्यू थिंग्स, मतलब कुछ नया चीज़ें सीख रहे हैं, रिसर्च के फील्ड में है, बहुत आगे जा रहे हैं, प्रोफेसर, टीचर, लेक्चरर या फिर साइंटिस्ट, रिसर्चर आप बन रहे हैं, ठीक है। तो इंटेलिजेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब नॉलेज के भूखे जिसे कह सकते हैं, वो आप हो रहे हो, और आप अपने काम पे, अपने वर्क पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपका जो वर्क है ना, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स के थ्रू क्या मैसेजेस है। ज़रा पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। ट्रस्ट द यूनिवर्स, यूनिवर्स में भरोसा रखिए, क्या होने वाला है। मैनिफेस्टेशन, देखिए मैनिफेस्टेशन बहुत सारे लोगों ने कर करके छोड़ दिया, आपको ऐसा लग रहा है कि क्या फ़ायदा हुआ। हमेशा आपको कहा जाता है ना कि यूनिवर्स पे ट्रस्ट रख के ही मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, बिना ट्रस्ट के मैनिफेस्टेशन करोगे कोई फ़ायदा नहीं, समय की बर्बादी। तो अगर आपका ट्रस्ट है यूनिवर्स पे, देन आप मैनिफेस्टेशन कीजिए, और जिसने भी ट्रस्ट के साथ मैनिफेस्ट किया है, उनका इस 2 वीक के अंदर मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, ठीक है। और क्या होने वाला है, सेल्फ एक्सेप्टेंस, और मैनिफेस्टेशन के साथ साथ ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। जैसे आप हो वैसे आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लीजिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए कि जो है मुझे मिल जाएगा, तो आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप अपने अंदर कमी भी निकाल रहे हैं कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, यूनिवर्स तो देगा लेकिन मैं उस लायक हूँ या नहीं हूँ, ये सब सोचेंगे तो कैसे मिलेगा, ठीक है, अच्छे से सोचिए। उसके बाद यहाँ पे 3 कार्ड्स और है। सबसे पहले है यहाँ पे एंजेलिक प्रोटेक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आ रहा है, एंजल आपको पूरी तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल आपको गाइड कर रहे हैं, एंजल आपको ये भी कह रहे हैं कि बुरे लोगों से कॉर्ड कट कीजिए, नहीं कट करोगे तो टेंशन तनाव बना हुआ रहेगा। एंड यहाँ पे एक और कार्ड है, वो है आपका लाइफ बहुत ज़्यादा एस एंड ग्रेस, बहुत ज़्यादा स्मूथ होने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेंस एंड बैलेंस लाइफ में आ रहा है। और जब टेम्परेंस बैलेंस होगा, तो लाइफ में चीज़ों को ईजिली आप रिसीव कर पा रहे हैं। यहाँ पे ये सारे इन्फॉर्मेशन है। द लैंग्वेज ऑफ फ्लावर्स क्या कहना चाहते हैं, देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले ग्रैटिट्यूड सभी लोग जल्दी से सेंड कीजिए कमेंट में, थैंक यू सो मच यूनिवर्स लिखिए। बी थैंकफुल फॉर व्हाट इज़ गुड नाउ, अभी भी आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है, उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। उसके बाद यहाँ पे है स्पिरिचुअलिटी पे भी आप कदम रख रहे हैं, ठीक है। ये पिंक फुल मून आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जा रहा है। और एक कार्ड और देखेंगे, वो है आपका दिस वन, यहाँ पे 3 है, एक लेंगे नॉर्मली, ओके दिस वन। सो कंपैशन, ठीक है, कंपैशन ये बता रहा है कि थोड़ी सी दया और दिखाइए अपने काम में, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंडशिप में, ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा। इस तरह की ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करके लाइन हो चाहिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पर रीडिंग ले सकते हैं, डिस्काउंट भी चल रहा है आपका, और ये बहुत जल्दी खत्म होगा डिस्काउंट ऑफर, जैसे स्लॉट सारे बुक हो जाएंगे, ठीक है। देर किस बात की, बुकिंग कीजिए, दुनिया के किसी भी कोने में हो आप बुक कर सकते हैं, क्योंकि आपको ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। उससे चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।